व्हाट इज़ अप गाइस, यार इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शार्प एक्वास R2 के फुल रिव्यू के बारे में। वो वीडियो के साथ जुड़े रहेगा एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर कर देना। इससे होगा कि आपके पास जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो जल्द से जल्द आ जाएगी, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं शार्प एक्वास R2 की फुल स्पेक्स के बारे में कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी फुल स्पेसिफिकेशन शो हो चुकी होगी, तो आप देख सकते हैं इसमें स्नैपड्रैगन 845 प्लस 4GB रैम, 64GB रोम और बाकी सब कुछ इसमें सब हाई मतलब डला हुआ है। और ये फुल जेपनीज़ फ़ोन है। और अगर बात की जाए इसकी गेमिंग वगैरह की, तो इसका ऑलरेडी गेमिंग टेस्ट मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। फुल पबजी टेस्ट हमने किया है इसका। और गाइस, बात कर लेते हैं अब इसके कैमरे वगैरह की। तो अभी तो आपको शायद सही समझ नहीं आया इसका कैमरा, तो मैं आपको इससे ली गई कुछ पिक्स दिखा देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कैमरा कैसा। बाकी बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको स्लोमो भी देखने को मिल जाता है, उसमें कोई भी लेग वगैरह का कोई भी ऐसा इशू नहीं आया अब तक। बस इसमें एक इशू ये है कि आपको जो इसमें जो इसका स्पीकर देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा है, मतलब कि देख सकते हैं आप थोड़ी सी इसकी जो आवाज़ है वो नॉर्मल फ़ोन से आपको थोड़ी सी इसकी आवाज़ कम मिलेगी। मतलब कि इसके लिए अगर आप इसको लेते हैं तो गेमिंग वगैरह के लिए बाय कीजिएगा और कॉल्स वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें आवाज़ तो बहुत ही कम है, मतलब कि फ़ोन बज रहा होगा और पता भी नहीं चलेगा आप लोग को ऐसी आवाज़, ठीक है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं शार्प एक्वास R2 के बैटरी टाइमिंग की। तो आपने बहुत सुना होगा कि यार शार्प एक्वास R2 में जो है बैटरी बहुत ही प्रॉब्लम आती है, वो इसमें जो है बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप इसको चार्ज करते हैं समझे 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, 1.5 से 2 घंटे में, और ये 100 चार्ज होगा तो तकरीबन ये आपको आधा दिन निकाल लेगा बगैर गेम वगैरह के। और अगर आप इसमें गेम वगैरह करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो 2 घंटे चल जाएगी, 2 से 2.5 घंटे चल जाएगी, बाकी फिर आपको दोबारा से चार्ज करनी पड़ेगी। और अगर आप ये फ़ोन बाय करते हैं तो आपको इसके लिए फ़ास्ट चार्जर भी बाय करना होगा, तभी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें Type-C केबल जो है लगती है। और इस फ़ोन में एक और फीचर आपको देखने को मिलता है जो कि ज़्यादातर आईफोन में भी होता है, अगर आप इसको यहाँ से देखें यूँ करते हैं तो खुद ब खुद चालू हो जाता है, मगर अभी मेरे को दिखाना है तो नहीं हो रहा, वरना जो है अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करते हैं तो ये खुद ब खुद इसमें सेंसर होता है जो कि चालू हो जाता है, मगर अभी नहीं हो रहा तो अभी कुछ नहीं कर सकते, वरना ये देखा अभी हो गया, अभी मैंने करा तो खुद ब खुद हो जाता है ये। तो इसमें ये एक फ़ीचर पाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें साथ साथ देखें आपको यहाँ पर जो बटन शो हो रहा है ये एक्चुअली बटन नहीं है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, ये ना तो प्रेस होगा ना कुछ, अगर आप इसका फिंगर लगाते हैं तो फिंगरप्रिंट का काम करता है। और इसका जो फिंगर सेंसर बहुत ही तेज़ है, मतलब कि बहुत ही जैसे ही आप उंगली रखेंगे और डायरेक्ट से खुल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस की और इसके बात करते हैं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो मार्केट प्राइस आपको मिल जाएगी पाकिस्तान में ये आपको 15 से 17 हज़ार तक उसमें मिल जाएगा आपको, और सदर मार्केट में तो आपको आराम से मिल जाएगा। और डब्बा पैक जो है ये नहीं आता है, किटी ओनली है, ये ओनली किटी मिल जाएगा आपको। और ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये PT अप्रूव की है, और अगर नॉन PT आप बाय करते हैं तो आपको 12 से 13 हज़ार या 14 हज़ार में भी मिल जाएगा। बाकी ये फ़ोन जो है फुल गेमिंग फ़ोन आप कह सकते हैं इसको, और है ही ये समझो गेमिंग फ़ोन, क्योंकि गेम वगैरह में यानी पबजी, अगर आप इसको पबजी लवर है तो यार ये तो फ़ोन समझो आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि इसमें लेग वगैरह तो कोई इशू है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि इसमें डबल कैमरा देखने को आपको मिल जाता है, और इसकी मैंने आपको पिक्स भी दिखा दी तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि गाइस इतनी कम प्राइस में आपको इतना अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, ऊपर से आपको मतलब कि आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं फुल मतलब मलाई वाला डिस्प्ले इसका, बिल्कुल बहुत ही स्लैम फ़ोन है, मगर आप जब इसको हैंड में पकड़ेंगे तो मतलब आपको बिल्कुल ऐसा यूज़ नहीं होगा कि यार कुछ भारी चीज़ उठाई हुई, मतलब ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है, ले सकते हैं आप इसको, और बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है। बाकी अगर इसी रेंज में मतलब कि 17 हज़ार में और भी मोबाइल आते हैं उनमें आपको ऐसा स्नैपड्रैगन ऐसी 4 64 GB रैम ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, तो यार ये जेपनीज़ फ़ोन है। और बाकी अगर इससे कुछ भी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और दूसरा ये कि मेरे भाई का चैनल है मुझी गेमर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। और मेरा अगर आपको पबजी के गेम प्लेस वगैरह देखना है तो मेरा भी चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और ये वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चले अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।